हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप घंटी के बटन को जरूर दबा लें हमारी नेक्स्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो हम कनाडा टेक पर भी चले जा रहे हैं आज, और इसका एक साल के बाद क्या परफॉर्मेंस है, क्या एवरेज दे रही है, मतलब ये एक साल में कैसी रही है गाड़ी, टोटल ऑल रिव्यू करने जा रहे हैं हम इस गाड़ी का। तो अकॉर्डिंग टू आर बजट तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एक साल के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रही है। इजिली मैं इसका गाड़ी, ये एक साल से ज़्यादा हो गया है टाइम, एक साल दो तीन महीने हो गया और गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसकी एवरेज की बात करें तो ये नियर अबाउट 17 एवरेज दे रही है मुझे एस सिटी प्लस हाईवे के अंदर। तो हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बताते हैं इसके बारे में कि इस गाड़ी के। दोस्तों रही बात गाड़ी की परफॉर्मेंस की, काफ़ी अच्छी है गाड़ी की पिकअप। आपको इको मोड दिया गया है, आप जैसे इको मोड प्रेस करते हो तो ये गाड़ी अपना टॉर्क घटा देती है और आपकी जो पेट्रोल की एफिशिएंसी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मैं आपको जैसे इसकी जे इसके डिस्प्ले पे मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मुझे इसने एवरेज दी है। तो मोस्टली ये अभी मुझे शो कर रहा है 16.3 एवरेज दे रही है। तो ये मैंने मोस्टली सिटी में चलाई है एज़ कम्पेयर टू हाईवे, तो इसकी एवरेज तो काफ़ी ठीक एवरेज दे रही है मुझे ये। तो यदि आपका बजट मेनली 4-4.5 लाख है और आप लाइक छोटी गाड़ी हो, अल्टो की तरफ जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस गाड़ी की तरफ, ये आपको बजट में है 5.5 लाख है जो कि इसका एक्सटी मॉडल है, तो आप इसको जैसे कंपनी ऑफर निकाल के दिवाली ऑफर में ले सकते हो, तो आपको ये नियर अबाउट 20,000 डिस्काउंट मिल जाता है। तो गाड़ी एक साल के अंदर मैंने ये नियर अबाउट ट्रैवल कर ली है 7-9, तो नियर अबाउट मैंने ये 8,000 किलोमीटर से चला लिया है। तो मुझे अभी तक इसमें कोई कमी नहीं लगी, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप जा रहे हो एस लाइक आप गाड़ी लेते हो 4 लाख की, आप अल्टो खरीद लेते हो तो उसमें आप देख सकते हो कंजस्टेड और कंफर्ट लेवल इतना नहीं होता और बोर्ड स्पीड भी कम होती है। तो जैसे पिछले पैसेंजर के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह दी गई हुई है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आर्मरेस्ट आफ्टर मार्केट लगाया है, तो काफ़ी अच्छा है इसका रिस्पॉन्स। लाइक आप लॉन्ग ट्रैवल की तरफ जा रहे हो, और मैंने फोक लाइन लगवाई थी आफ्टर मार्केट। तो एस मैं बजट की बात करूँ तो मैं काफ़ी सफिशेंट, काफ़ी सेटिस्फाई हूँ एज कम्पेयर टू जो मुझे गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी है, जो गाड़ी मुझे एवरेज दे रही है। नो डाउट जब आप इको प्रेस कर देते हो तो गाड़ी का टॉर्क कम हो जाता है, तो मोस्टली ये इको मोड मैं तभी प्रेस करता हूँ जब मैं हाईवे पे 80 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ और मुझे गियर बदलने की बार बार जरूरत नहीं है, तो मैं मोस्टली इको मोड प्रेफर करता हूँ। तो इको मोड से तो ये आपको, यदि आपका हाईवे है तो इको मोड पे आप नियरली 19 एवरेज इसकी निकाल सकते हो यदि आप हाईवे पे चला रहे हो। पर जब आप लाइक गर्मियाँ आ रही हैं आगे और आप एसी आपने प्रेस किया हुआ है और आप सिटी में हो, तो ये गाड़ी आपको 14-13 एवरेज ही देगी। और गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, मुझे गाड़ी में कोई और नहीं दिक्कत आई, सिर्फ इसका ये एक मिरर था जो कि थोड़ा सा इसका जो स्क्रू था तो वो डाउन हो गया था, तो ये थोड़ा सा खड़का करने लग गया था जब ये गाड़ी टॉय में डलती थी। तो म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है इसका, अभी मैंने रेडियो चला रखा है। तो ऑल ओवर ये गाड़ी आपको अच्छा फील कराएगी यदि आप ये इस गाड़ी के थ्रू जाते हो। और ये टाटा की गाड़ी है, तो ये टाटा की गाड़ी है जो अब ये पहले लोगों को कंप्लेंट होती कि टाटा की गाड़ी काफ़ी जैसे कि आवाज़ काफ़ी करती है, कैबिन में काफ़ी आवाज़ आती है, लेकिन आप फॉर श्योर लाइक जैसे टाटा ने टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा है, तो उसके इंजीनियर ने इनका इंजन डिजाइन किया हुआ है और स्पीकर भी इसमें हार्मन के लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और गाड़ी की पिकअप वगैरह काफ़ी स्मूथली है। तो नो डाउट जब आप इको मोड पे चलाते हो तो थोड़ी सी इसका आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा पिकअप पे, लेकिन जब आप विदाउट इको चला रहे हो सिटी मोड में हो और सिटी मोड हाईवे पे भी रख सकते हो, तो गाड़ी आपकी एकदम भागेगी। तो ऑल ओवर गाड़ी कही हो तो फुली पैकेज है आपको, जो 5.5 लाख में एक्सटी मॉडल मिल रहा है, तो एक्सटी मॉडल में आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में नेक्स्ट और एक्सप्लेन करेंगे, इस वीडियो में जस्ट इतना ही। तो आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपकी हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. तो डेट्स ऑल. तो थैंक यू फॉर व्यूइंग अवर वीडियो. थैंक यू.